गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पेपर बोट्स पोएम की चर्चा करेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। ये यूनिट 6B में दिया है और हम लोग पढ़ रहे हैं जे सी आर टी इंग्लिश क्लास 6, और 6A तक के सारे चैप्टर्स मैंने कवर किए हैं वन बाय वन। आप प्रत्येक वीडियो को आप देख सकते हैं। बहुत सारे चैप्टर्स के मैंने क्वेश्चन आंसर भी कवर किए हैं, आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आप सारे वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, पढ़ने के पहले। एज ए चाइल्ड यू मस्ट बी प्लेइंग सेवरल गेम्स। बच्चे के रूप में आप बहुत सारे खेल खेलते होंगे। निश्चित रूप से जब हम लोग बच्चे थे तो बहुत सारे खेल खेलते थे, और आप लोग तो अभी बच्चे हैं ही, आप लोग बहुत तरह के खेल खेलते हैं। व्हाट इज योर फेवरेट पास टाइम ड्यूरिंग द रेनी सीजन। कहता है बरसात के दिनों में आपका मनपसंद पास टाइम क्या है, मतलब आपको आप समय कैसे बिताते हैं, आपको मनपसंद कौन सा काम लगता है, किस ऋतु में। रेनी सीजन में, रेनी सीजन मतलब वर्षा ऋतु में। डू यू लाइक टू फ्लोट पेपर बोट्स, क्या आप कागज के नाव को बहाना पसंद करते हैं। द चाइल्ड इन द पोएम लव्स द वर्ल्ड ऑफ प्लेफुलनेस एंड फन। और इस पोएम में जो बच्चा है उसे बहुत प्रेम है इस वर्ल्ड से, है ना, और इस तरह के आनंद से बहुत प्रेम है। डे बाय डे ही फ्लोट्स पेपर बोट्स, प्रत्येक दिन वह कागज की नाव को बहाता है। पेपर बोट्स मतलब कागज की नाव। डाउन द रनिंग स्ट्रीम, बहते हुए, है ना, बहते हुए जो पानी की धारा है उसमें वो चलाता है अपने नाव को, बहाता है। एंड होप्स दैट, और कहता है दे वुड रीच सम डिस्टेंट लैंड्स, और ऐसा आशा करता है कि वो बहुत दूर किसी देश में या दूर किसी भूमि में पहुंच जाएगा। लैंड मीन्स देश। रीड एंड एंजॉय द पोएम, इस पोएम को पढ़िए और आनंद लीजिए। चलिए तो पोएम को हम लोग पढ़ते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। डे बाय डे आई फ्लोट माय पेपर बोट्स वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम। इन बिग ब्लैक लेटर्स आई राइट माय नेम ऑन द एंड द नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव। कहता है प्रत्येक दिन डे बाय डे आई फ्लोट माय पेपर बोट्स, में अपने कागज की नाव को बहाता हूँ, है ना। वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रीम, एक एक करके जो बहती हुई धारा है उसकी ओर, है ना, नीचे की ओर जो बह रही धारा उसमें मैं कागज की नाव को बहाता हूँ, है ना। आप कागज की नाव बनाना भी सीखे होंगे, ठीक है। तो उसके बाद कहता है इन बिग ब्लैक लेटर्स, और बड़े काले अक्षरों में आई राइट माई नेम ऑन दैट, है ना, या कट गया है पता नहीं चल रहा है क्या उनका। तो उसमें मैं जो है अपना नाम लिखता हूँ, और क्या लिखता हूँ, एंड नेम ऑफ द विलेज वेयर आई लिव, और जहाँ मैं रहता हूँ उसका भी नाम लिखता हूँ। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। आई होप दैट समवन इन द स्ट्रेंज लैंड विल फाइंड देम एंड नो हु आई एम। आई लोड माई लिटिल बोट्स विथ शिवली फ्लावर फ्रॉम आवर गार्डन एंड होप दैट दीज ब्लूम्स ऑफ द डाउन विल बी कैरिड सेफली टू लैंड इन द नाइट। मैं ये आशा करता हूँ, आई होप दैट, मैं आशा करता हूँ कि समवन इन अ स्ट्रेंज लैंड, कोई अजनबी देश में, विल फाइंड देम, ये मिलेगा उनको, मतलब मैं जो कागज के नाव बहा रहा हूं उन कागज के नावों को कोई अनजान देश के लोग प्राप्त करेंगे, उनको मिलेगा, और वे जानेंगे एंड नो, वे जानेंगे हु आई एम, मैं कौन हूं, क्यों, क्योंकि मैंने तो अपना नाम लिख दिया है, गांव का भी नाम लिख दिया है ना, यहाँ देखा हमने। आई लोड माई लिटिल बोट्स विथ शिवली फ्लावर, कहता मैंने अपने छोटे से नाव को शिवली फ्लावर, शिवली एक फूल होता है वाइट कलर का, वो भी उसमें रख दिया है। वो कहाँ से, फ्रॉम आवर गार्डन, अपने बगीचे से।
एंड होप दैट, और आशा करता हूँ कि दिज ब्लूम्स ऑफ द डाउन विल बी कैरिड सेफली इन द लैंड इन द नाइट, कि जो सुबह सुबह ये खिले हैं बिल्कुल फोर में, वो रात तक उस देश में पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, आई लॉन्च माई पेपर बोट्स एंड लुक अप इन टू द स्काई एंड सी द लिटिल क्लाउड्स सेटिंग देयर वाइट बल्गिंग सेल्स, आई नो नॉट वाट प्लेमेट ऑफ माइंड इन द स्काई सेंड्स देम डाउन द एयर टू रेस विथ माई बोट्स। कहते हैं आई लॉन्च माई पेपर बोट्स, मैं अपने पेपर बोट को, कागज की नाव को लॉन्च कर रहा हूँ, मैं शुरू कर रहा हूँ, एंड लुक इन अप इन टू द स्काई, और आकाश की तरफ ऊपर देखता हूँ, एंड सी द लिटिल क्लाउड्स, और देखता हूँ कि छोटे छोटे जो बादल हैं सेटिंग देयर वाइट बल्गिंग सेल्स, वो लोग जो है अपना अपना सेल कर रहे हैं, मतलब वो भी बह रहे हैं, बादल भी बह रहे हैं बिल्कुल वाइट कलर के। आई नो नॉट वाट प्लेमेट ऑफ माइंड इन द स्काई, और मैं जानता हूँ मैं कि मेरे आकाश में तो कोई मेरा प्लेमेट साथ में खेलने वाला नहीं है, इसलिए सेंड्स देम डाउन, इसलिए उन्हें नीचे भेज दो, है ना, नीचे भेज दो हवा में टू रेस विथ माई बोट, ताकि वे मेरे बोट के साथ जो आकाश में है वो आकर के मेरे बोट के साथ यहाँ कम्पीट करे, या उसके क्या कहते हैं कंपटीशन करे, रेस लगाए, दौड़ लगाए। अब देखते व्हेन नाइट कम्स आई बरी माई फेस इन माई आर्म्स, जब रात आती है तो मैं अपना चेहरे को अपने बाहों से ढक लेता हूँ, एंड ड्रीम दैट, और सपना देखता हूँ कि माई पेपर बोट्स फ्लोट ऑन एंड ऑन अंडर द मिडनाइट स्टार्स, कि मेरे जो कागज के नाव हैं वो बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं, कहाँ, मध्य रात्रि में तारों के बीच बहते जा रहे हैं, द फेरीज ऑफ स्लीप आर सेलिंग इन देम, और परियों का, परियां लोग भी, फेरीज ऑफ स्लीप आर सेलिंग इन देम, परियों की नींद भी उसमें बहती जा रही है, एंड द लेडिंग इन देयर बास्केट्स फुल ऑफ ड्रीम, और उनके जो टोकरियां हैं वो सपनों से भरे हुए हैं। ये कविता रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है ना, और रविंद्रनाथ टैगोर कौन है आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से, इन्होंने गीतांजलि लिखा है, और 1913 में इन्हें गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया, भारत में सबसे पहला नोबेल प्राइज लेने वाले यही हैं। और उसके बाद जो है हमारे राष्ट्रगान जो जन गण मन है इन्होंने ही लिखा है, यहाँ संक्षिप्त में इनकी जीवनी दिया है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर मई 7, 1861, 7 मई 1861 में इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु भी 7 अगस्त 1941 को। वाजिए बंगाली पोइट, एक बंगाली कवि थे, ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, साहित्य में पुरस्कार लेने वाले पहले व्यक्ति बने थे 1913 में, जैसा कि मैंने बताया आपको, फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स, और उन्होंने किसके लिए मिला था, एक पोएम का कलेक्शन किया था उन्होंने गीतांजलि नाम से, जिसका जिक्र मैंने किया। ही इज नोन एज बार्ड ऑफ बंगाल, उसे बार्ड ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। आवर नेशनल एंथम जनगणमन वाज रिटन बाय हिम, है ना, हमारे राष्ट्रगान जो है जनगणमन इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ट्राई टू फाइंड एंड रीड मोर ऑफ हिज पोएम्स, कहता है उनके अधिक से अधिक पोएम को जो है जानने का प्रयास करो और लिखने का प्रयास करो, लाइक वोकेशन ऑफ द लास्ट बार्गेन, है ना, जैसे कि एक है वोकेशन और लास्ट बार्गेन। कुछ वर्ड्स दिया हुआ है यहाँ, वर्ड्स को भी देख लेते हैं। शिवली मतलब ए वाइट फ्रेग्रेंट फ्लावर, एक वाइट कलर का सफ़ेद कलर का फूल होता है। ब्लूम्स मतलब खुलना, फुली ओपन फ्लावर्स, ठीक है, फूल का पूरी तरह से खुलना, उसी को ब्लूम कहते हैं। लॉन्च माई पेपर बोट, इसका अर्थ क्या है, पुट डाउन माई बोट इन रनिंग वाटर, बहते हुए पानी में
नाव को रखना, मतलब कागज के नाव को रखना, इसी को कहते हैं लॉन्च माई पेपर बोट। बल्किंग मतलब होता है स्टिकिंग आउट, है ना। बरी माई फेस मतलब कवर माई फेस, मतलब कवर को अपना अपने फेस को ढक लेना, ठीक। लेडिंग मीन्स कार्गो फिल्ड इन बोट, बोट में रखा जाने वाला सामान, शिप और ट्रेन। तो इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इस पोएम को अच्छी तरह से दो बार तीन बार देख लें, और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो आप हमसे चर्चा कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं, यूनिट वन ए से लेकर के 6A तक बिल्कुल सारे चैप्टर को वन बाय वन मैंने कवर किया है, आप उसे देख सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस, इसके अलावा साइंस के वीडियो और जनरल नॉलेज के वीडियोस भी आप देख सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।